नमस्कार, बिग न्यूज 9 में आपका स्वागत है। मैं रमेश मेहता। आज हमारे साथ हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक के फैज आशिक सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। सिद्दीकी साहब, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका सासाराम आने का मकसद क्या है। सबसे पहले तो मेरा एक निजी समारोह में शिरकत करना बहुत ज़रूरी था, और इसके अलावा हम लोग ज़िला स्तरीय सम्मेलन करने जा रहे हैं अल्पसंख्यक का। तो हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्पसंख्यक हमारे साथ जुड़ें, तो उसी को लेकर मैं आया हुआ था, अपने कार्यकर्ताओं से मिला और उन लोगों को दिशा निर्देश दिया है सम्मेलन को लेकर। ऐसा सुनने में आया है कि जसवी यादव ने आपकी पार्टी को न्योता दिया है, तो क्या अगले चुनाव तक आपकी पार्टी जाएगी उनके साथ? सबसे पहले तो जहाँ तक पार्टी के साथ जाने की बात है, तो मैं यही कहूँगा कि अगर वो मांझी जी को सीएम बनाने की बात करते हैं, अगर उनको मांझी जी का नेतृत्व स्वीकार है, तो फिर हम उनके जाने के साथ के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ जाने की स्थिति में मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी ही होंगे। स्वर्गीय शाहिद जी के बाद आपको मुस्लिमों का मेन नेता रखा जा रहा है, तो क्या आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे? शाहिद अली सर के साथ मैं शुरू से जुड़ा रहा हूं, और उनकी हर लड़ाई में मैंने उनका साथ दिया है, और मैंने भी उनके साथ संघर्ष किया है और मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए लड़ाई लड़ी है। अब चूंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, तो मैं इस लड़ाई को जारी रखूँगा। लेकिन इस पहले मैंने उनके परिवार, उनकी पत्नी शमा अली से भी बात की है। अगर वो आ जाती हैं हमारे साथ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं उनके साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाऊंगा। अभी बातचीत चल रही है। आपकी हम पार्टी अल्पसंख्यक को लेकर आगे बढ़ रही है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि एक पार्टी को लेकर आप चुनाव मुद्दा में आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं। हमारी पार्टी दलित को लेकर साथ चलती है, अति पिछड़ा को साथ लेकर चलती है, और अल्पसंख्यक को साथ लेकर चलती है। तो ये काफ़ी है, और तीनों के विकास के लिए।